अंबाला रेलवे स्टेशन पर बने क्लॉक रूम को रेल प्रशासन ने अब प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है, जिससे जहां रेलवे को लाखों रुपए की इनकम होगी, वहीं प्राइवेट ठेका कंपनी का कर्मचारी वहां हर समय मौजूद रहेगा, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को अब अपने सामान की सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लॉक रूम को ठेके पर दिए जाने के बाद प्राइवेट कंपनी ने क्लॉक रूम के बाहर बकायदा रेट लिस्ट लगा दी है, जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। स्टेशन निदेशक ने बताया कि प्राइवेट होने के बावजूद भी रेलवे की निगरानी में रहेगा। अभी हार्डली में रेलवे ने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है, उसने अभी अपना इंस्टॉल कर लिया है और साथ में काम भी शुरू कर दिया है। जो भी रेट्स होंगे उसके, जो भी जेन्युइन रेलवे डिसाइड करेगी उसी हिसाब से रेट लिए जाएंगे। और ये सारी जो क्लॉक रूम की सुविधा है सब CCTV की निगाह में रहेंगी। 24 आवर्स उसका जो भी कर्मचारी वहाँ बैठेगा और कोई भी दिक्कत पैसेंजर को मेरे हिसाब से रेलवे की तरफ से अगर कोई आती है तो हम उसको बीच बीच में उसकी निगरानी करते हैं कि जो भी रेट्स रेलवे डिसाइड किए होंगे उससे वो ज्यादा नहीं ले सकता है, ये हम वादा करते हैं। हम पुलिस की जांच करेंगे। यात्रियों की सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है ताकि उनकी परेशानी कम हो। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम को प्राइवेट ठेके पर दिया गया है। यहाँ 24 घंटे लॉकर रूम की सुविधा भी मिलेगी। सूर्य समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।